हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटनाचक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है खरीफ की फसलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। याद रखिएगा, इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली इत्यादि है। सोयाबीन भी खरीफ की फसल में शामिल है। धान की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। सिंचाई की सुविधा का विकास होने के पश्चात पंजाब और हरियाणा में भी धान की फसल जो है बोई जाती है। धान जो है उष्ण कटिबंधीय फसल है और इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। याद रखिएगा, देखिए धान जो है, धान की फसल के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अगर बात करें तो 2019-20 में भारत के 43.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल की कृषि की जाती है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो फसल है चावल की है। याद रखिएगा, एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स एट अ ग्लैंस 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार, किसके अनुसार, एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स एट अ ग्लैंस 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल का दूसरा, उड़ीसा का तीसरा स्थान आता है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन 2018-19 में 2638 किलोग्राम था, जबकि वर्ष 2019-20 में यह 2705 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अनुमानित है। भारत में धान की उत्पादकता सर्वाधिक जो है पंजाब में है। धान की जो उत्पादकता है सर्वाधिक किस राज्य में है, पंजाब में है। 2018-19 में पंजाब में प्रति हेक्टेयर 4132 किलोग्राम धान का जो है उत्पादन अनुमानित है। भारत में चावल का कटोरा, याद रखिएगा, भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। किस क्षेत्र को, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तेलंगाना और रायल सीमा है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्रों में ही विस्तृत है। भारत में वर्ष 2018-19 के अनंतिम अनुमान के अनुसार चार शीर्ष चावल उत्पादक जो राज्य हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, चार शीर्ष चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, इसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश है। जबकि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अगर बात करें तो 2019-20 में तीन शीर्ष चावल उत्पादक जो राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। भारत में चावल की प्रमुख किस्मों में जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना है। अमन धान जून जुलाई में बोया जाता है तथा नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। पूसा सुगंध पांच जो है धान की एक सुगंधित किस्म है। पूसा RH10 बासमती चावल की संकर प्रजाति है। धान की अन्य संकर प्रजातियों में याद रखिएगा PHB21, गंगा, सुरुचि, KRH2, सह्याद्री 4 या सह्याद्री 4 आदि है। बासमती चावल की रोपाई करते समय बेहतर उत्पादन के लिए उपयुक्त बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। बरानी द्वीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र सुस्का सम्राट याद रखिएगा, और लालमती इत्यादि धान की प्रजातियां हैं। कौन कौन, बरानी द्वीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र सुस्का सम्राट, लालमती। देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल, एजो स्पिरिलियम, फास्फो बैक्टीरिया, एजोला आदि जो है चावल के फसल के लिए प्रमुख जैव उर्वरक हैं। 2018-19 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार संपूर्ण भारत में चावल की खेती के क्षेत्र का सर्वाधिक हिस्सा 13.12% उत्तर प्रदेश का है। किसका, उत्तर प्रदेश का। पहला प्रश्न, धान की उत्पत्ति हुई है। धान की उत्पत्ति कहां पर हुई है आप बताइए। धान की उत्पत्ति याद रखिएगा दक्षिण पूर्व एशिया में माना जाता है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है।
देखिए धान जो है उष्ण कटिबंधीय फसल है, इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। धान की फसल के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। सेकेंड प्रश्न, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी फसल जो है खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की जो फसल है, ध्यान दीजिएगा, गेहूं को छोड़कर यानी कपास, मूंगफली, धान जो है ये खरीफ की फसलें हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। खरीफ की फसलें मुख्यतः जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर तक इनकी जो है कटाई कर ली जाती है। ये फसलें गर्मी में बोई जाती है। खरीफ की जो प्रमुख फसलें हैं, खरीफ में जो फसलें आते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि खरीफ की कौन कौन सी फसल है या खरीफ की कब बुआई की जाती है, कब कटाई की जाती है। तो दो तीन बातों को ध्यान रखिएगा। देखिए जो खरीफ की प्रमुख फसलें हैं वह है धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंग, मूंगफली, तंबाकू, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि। थर्ड नंबर है चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। चावल की खेती के लिए जो आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं, याद रखिएगा, 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान, ए ऑप्शन। देखिए चावल जो है उष्ण कटिबंधीय फसल है जिसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा की दशा में सिंचाई भी करनी पड़ती है। फोर नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। तो याद रखिएगा सोयाबीन, यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऋतुओं के आधार पर भारतीय फसलों को मुख्यतः तीन प्रकार से विभाजित किया जाता है, रबी की, खरीफ की और जायद की। रबी में गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, बरसीम आदि जो है आता है। खरीफ के फसल में धान, मक्का, ज्वार, कपास, रागी, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली आदि आता है। और जायद में यानी जो कह सकते हैं कि जो तरबूज है, ककड़ी, खीरा, यानी जो सब्जी की खेती की जाती है, तो ये जायद में आते हैं। इनकी खेती 2 महीनों के अंदर में होती है, तो याद रखिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 5 है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो देखिए सरसों जो है खरीफ की फसल नहीं है, ठीक है। और 6 नंबर है, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो देखिए यह जो प्रश्न है इस पैटर्न पर बहुत पूछा गया है और अन्य एग्जामों में भी इस पैटर्न से इस तरह से जो प्रश्न है इस पैटर्न पर आधारित पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की फसल है, कौन सी जायद की फसल है, खरीफ की जो है कब बुआई की जाती है, कब कटाई की जाती है, रबी की कब बुआई की जाती है, कब कटाई की जाती है, तो इंपॉर्टेंट है। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो चना जो है खरीफ की फसल नहीं है। 7 नंबर है, निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है। कौन सा, आपको बताना है कि निम्नलिखित फसलों में जो कि गेहूं, चावल, मक्का, दालें दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है। तो सही जवाब है चावल। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। इस संदर्भ में खाद्यान्नों में दूसरे स्थान पर गेहूं का आता है। प्रश्न संख्या 8 है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है। तो याद रखिएगा चावल, डी ऑप्शन। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारत के 43.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल और 31.5 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल चावल है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर है, निम्नलिखित में आपको बताना है कि किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है। तो याद रखिएगा धान की फसल के अंतर्गत, धान की जो फसल है सबसे ज्यादा इसको कवर किया जाता है या सबसे ज्यादा क्षेत्र को कवर करता है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। बताइए किस राज्य में पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में। 2018-19 के आंकड़े अगर आप देखिएगा तो इसके अनुसार चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश, कितना, 5.75 मिलियन हेक्टेयर में पाया जाता है। 11 नंबर है, भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2013-14 में
था कितना? भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन 2013-14 में कितना था? तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था। 2013-14 में भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन 2416 किलोग्राम था। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2019-20 में 2705 किलोग्राम अनुमानित है। 12 नंबर है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। भारत में किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, बी ऑप्शन, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। विकल्प के अनुसार अगर बात करें तो भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। 2018-19 के आंकड़े के अनुसार आंध्र प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र के जो है 2.21 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल का उत्पादन किया जाता है। लगभग दो तिहाई चावल खरीफ फसलों के अंतर्गत बोया जाता है। यहाँ चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र रायल सीमा क्षेत्र है जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में ही विस्तृत है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है 13 नंबर। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो आपको मालूम है पंजाब। धान की सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब में है। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लैंस 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2017-18 में पंजाब में प्रति हेक्टेयर 4,366 किलोग्राम धान का जो है उत्पादन हुआ, जबकि 2018-19 में यह 4,132 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अनुमानित है। 14 नंबर है, कौन सी चावल की किस्म नहीं है? कौन सी चावल की किस्म नहीं है बताइए? चावल की जो किस्म नहीं है, ज्वाला। ज्वाला जो है चावल की किस्म नहीं है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। चावल की प्रमुख किस्में जो है याद रखिएगा, जमुना है, करुणा है, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना है। ज्वाला, जड़िया, मरु, मरुबहार, ज्वाला, जड़िया, मरुबहार आदि मोठ की प्रजातियां हैं। 15 नंबर है, जया, पद्मा, कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान की उन्नत किस्म है? जया, पद्मा और कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान की उन्नत किस्में हैं? तो याद रखिएगा धान की। 16 नंबर है, अमन धान उगाया जाता है। अमन धान उगाया जाता है जून जुलाई में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए अमन जो धान है इसकी बुआई जून जुलाई में और कटाई नवंबर दिसंबर में की जाती है। देखिए औस या कार, औस या कार इसकी बुआई मई जून में और कटाई सितंबर अक्टूबर में। बोरो या दल्लू, बोलो, बोरो या दल्लू इसका बुआई नवंबर दिसंबर में और मार्च में, मार्च अप्रैल के मध्य इसकी कटाई की जाती है। 17 नंबर है, पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किसकी? पूसा सुगंधा 5 जो है एक सुगंधित किस्म किसकी है? तो याद रखिएगा धान की यह एक सुगंधित किस्म है, पूसा सुगंधा 5। 18 नंबर है, बरानी द्वीप किस फसल की किस्म है? बरानी द्वीप किस फसल की किस्म है? तो देखिए इसका सही जवाब है धान की। बरानी द्वीप नरेंद्र शंकर, नरेंद्र सुसक्का सम्राट और लालमती इत्यादि जो है धान की प्रजातियां हैं। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो याद रखिएगा पूसा RH10, पूसा RH10 बासमती चावल की संकर प्रजाति है। अन्य संकर प्रजातियों में PHB21, गंगा सुरुचि, KRH2, सहाद्री 4 जो है आदि है। प्रश्न संख्या 20 है, बासमती चावल की रोपाई के लिए उपयुक्त बीज दर क्या है? बासमती चावल की रोपाई के लिए उपयुक्त बीज दर जो है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। बासमती चावल की रोपाई करते समय बेहतर उत्पादकता के लिए उपयुक्त बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। 21 नंबर है, कथन ए, पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। कारण आर, यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। तो देखिए इसमें जो सही होना चाहिए वो होगा आपका डी ऑप्शन, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। कैसे देख लेते हैं।
पंजाब जो है चावल के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्यों में से एक है। यह चावल का अतिरिक्त उत्पादक है जहां से देश के अन्य क्षेत्रों को चावल की आपूर्ति की जा रही है। 2018 19 और 2019 20 में भारत में चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, इसके पश्चात उत्तर प्रदेश और पंजाब है। वर्तमान संदर्भ में विकल्प ए सही उत्तर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए, पश्चिम बंगाल इसका सही ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? तो याद रखिएगा, नील हरित शैवाल। देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल, एजो एस्पिरिलियम, फास्फोबैक्टीरिया, एजोला आदि चावल की फसल के लिए जो है प्रमुख जैव उर्वरक है। 24 नंबर है, कथन ए, भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। कारण आर, भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। कथन ए है, भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन जो है अधिक होता है। कारण आर, भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो सही विकल्प है सी ऑप्शन, ए सही है परंतु आर गलत है। कैसे, डिस्कस कर लेते हैं। भारत का पश्चिमी तट पूर्वी तट के अपेक्षा संकीर्ण है, याद रखिएगा। भारत का जो पश्चिमी तट है पूर्वी तट के अपेक्षा संकीर्ण है। पूर्वी तट की नदी घाटियों में धान की बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है, जबकि पश्चिमी तट में अपेक्षाकृत कम धान पैदा किया जाता है। कथन ए सही है, जबकि कारण आर, पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त करता है, गलत है। 25 नंबर है, विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है? विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है? तो याद रखिएगा, चावल की, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहां पे आप डेटा को देख सकते हैं, चावल 2010-11 में कृषि जो कृषि क्षेत्र है मिलियन हेक्टेयर में दिया गया है। 2010-11 में 42.9, 2018-19 में 44.2 और 2019-20 में 43.8। तिलहन का, दलहन का, गन्ना का भी आप देख लीजिएगा। देखिए, कृषि भूमि उपयोग मिलियन हेक्टेयर में, आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि विगत एक दशक में भारत में चावल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी हुई है। अन्य फसलों का कृषि क्षेत्र जो है बढ़ा है। 26 नंबर है, देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन चार राज्यों से प्राप्त होता है वे कौन कौन से राज्य हैं? देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन चार राज्यों से प्राप्त होता है वे राज्य है पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। प्रश्न काल में देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश राज्यों से प्राप्त होता है। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार देश का लगभग आधा चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश राज्यों से प्राप्त हुआ। 27 नंबर है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, तमिलनाडु, इसके बाद पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहां पे आप देख सकते हैं जो डी है सत्य था। 2018-19 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार विकल्प में दिए गए चावल उत्पादक राज्यों की वर्तमान स्थिति जो है इस प्रकार है। तमिलनाडु उत्पादन जो है मिलियन टन में दिया गया 6.45, आंध्र प्रदेश का 8.25, पंजाब का 12.82 और पश्चिम बंगाल का 16.05 दिया गया है। तो याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, भारत में चावल का अधिक उत्पादक है। भारत में चावल का अधिक उत्पादक जो राज्य है वह है आपका आंध्र प्रदेश। 2008-9 के आंकड़े के आधार पर अगर बात करें तो विकल्प में दिए गए राज्यों में आंध्र प्रदेश में चावल का बाजार अधिक अनुपात सर्वाधिक था। 2014-15 में इस संदर्भ में पंजाब शीर्ष पर है, इसके बाद हरियाणा का स्थान है। 29 नंबर है, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कितना अधिक होनी चाहिए? भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक
होनी चाहिए। चावल के लिए अधिक, जो चावल की खेती है, चावल के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? निम्नलिखित में से किस एक राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। दिए गए संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है। 31 है, भारत में चावल के चार प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? भारत में चावल के चार प्रमुख उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तो सही विकल्प है, सी ऑप्शन। याद रखिएगा, प्रश्न काल के दौरान भारत में चावल के अग्रणी उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। 2018-19 के अनंतिम आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो इस संदर्भ में राज्यों का जो क्रम है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश है। 32 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए, कमेंट कीजिए, बताइए इसका सही विकल्प क्या है। देखिए, इसका सही विकल्प है पश्चिम बंगाल, इसके बाद उत्तर प्रदेश, इसके बाद पंजाब और आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश, यानी डी ऑप्शन। देखिए, प्रश्न काल के दौरान डी विकल्प सही था। वर्तमान में शीर्ष चार राज्य जो है उनके चावल उत्पादन संबंधी आंकड़ों का अवरोही क्रम जो है आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल का चावल उत्पादन जो है मिलियन टन में दिया गया 2018-19 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, तो पश्चिम बंगाल में 16.05 मिलियन टन, उत्तर प्रदेश में 15.54, पंजाब में 12.82 और आंध्र प्रदेश में 8.25 मिलियन टन। 33 है, भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, यानी प्रति हेक्टेयर में सबसे ज्यादा करता है? तो भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है प्रति हेक्टेयर में? तो याद रखिएगा, पंजाब, डी ऑप्शन। प्रश्न काल तथा 2018-19 के अनंतिम आंकड़े के अनुसार भारतीय राज्यों में चावल की सर्वाधिक उत्पादकता जो है पंजाब राज्य 4,132 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि कुल चावल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान पश्चिम बंगाल का है। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो याद रखिएगा, मूंग और उड़द। मूंग उड़द जैसी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में ही उगाई जाती है। इन फसलों को निश्चित समय अंतराल पर जल की अति आवश्यकता होती है। 35 है, निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? किस फसल की रोपाई की जाती है? तो देखिए, धान की जो है रोपाई की जाती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और 36 है, फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न काल और आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अगर बात करें तो विकल्प ई सही उत्तर था। 2019-20 के अनुसार चावल का जो है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राई सरसों का राजस्थान और कपास का गुजरात सौर प्रमुख उत्पादक राज्य है। 37 नंबर है, भारत के राज्यों को 2018-19 के चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम में, सॉरी सही आरोही क्रम में, आरोही नहीं, सही आरोही क्रम में चुने। तो 2018-19 के चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम जो है आपको बताना है कि सही आरोही क्रम में क्या सही है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। अगर आप 2018-19 के आंकड़े के अनुसार चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम में राज्यों को व्यवस्थित कीजिएगा तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। दिए गए विकल्पों के अनुसार भारत के राज्यों का 2018-19 के चावल उत्पादन का सही आरोही क्रम जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 2018-19 के अनुसार याद रखना है। और 2019-20 के अनुसार चावल उत्पादक शीर्ष राज्य है, जो सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करते हैं, पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे, उत्तर प्रदेश दूसरे और पंजाब तीसरे स्थान पे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं।
नेक्स्ट सेशन में नकदी फसलों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, और जो लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने हुए हैं, लगातार कमेंट करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप ले सकते हैं, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम के इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है, और इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।